धर्मेंद्र और हेमा मालिनी के अफेयर के किस्से पूरे बॉलीवुड में मशहूर थे। धर्मेंद्र शादीशुदा थे, इसके बावजूद हेमा को अपना दिल दे बैठे थे। दूसरी ओर संजीव कुमार और जितेंद्र जैसे स्टार भी हेमा मालिनी के प्यार में दीवाने थे, लेकिन सबके रिश्ते के बीच बैठी थी हेमा मालिनी की माँ जयलक्ष्मी। जितेंद्र से तो हेमा की शादी तय भी हो गई थी और दोनों जल्द ही शादी भी करने वाले थे, लेकिन उसी वक्त जितेंद्र की पत्नी शोभा कपूर के साथ मिलकर धर्मेंद्र ने कुछ ऐसा किया कि जितेंद्र को हेमा के साथ अपनी शादी तोड़नी पड़ी। आपको बॉलीवुड का ये किस्सा सुनाएंगे, उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी कर लीजिए। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर लीजिएगा, कॉमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिएगा। दरअसल बॉलीवुड में आने से पहले ही 19 साल की उम्र में धर्मेंद्र की शादी प्रकाश कौर से हो गई थी। प्रकाश कौर और धर्मेंद्र के 4 बच्चे थे, 2 लड़के और 2 लड़कियां, यानी सनी देओल, बॉबी देओल, अजीता और विजेता। लेकिन बॉलीवुड में आते ही उन्हें हेमा मालिनी से प्यार हो गया। उस वक्त बॉलीवुड की गलियों में हेमा और धर्मेंद्र के प्यार के चर्चे थे, लेकिन हेमा की माँ जया लक्ष्मी इस प्यार में रोड़ा बनकर खड़ी थी। दरअसल हेमा मालिनी की माँ ये बात अच्छे से जानती थी कि धर्मेंद्र शादीशुदा है, इसीलिए वो नहीं चाहती थी कि उनकी बेटी की शादी ऐसे शख्स से हो जो शादीशुदा हो और उसके बच्चे भी हों। माँ की सलाह पर हेमा मालिनी ने कुछ वक्त के लिए धर्मेंद्र से दूरी भी बना ली थी। धर्मेंद्र के अलावा जितेंद्र भी हेमा मालिनी की खूबसूरती के दीवाने थे और उनसे शादी करना चाहते थे। इसी बीच खबरें ये आई कि जितेंद्र ने हेमा को शादी के लिए प्रपोज कर दिया और हेमा की माँ ने भी इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया। हालांकि उस वक्त तक जितेंद्र अपनी मौजूदा पत्नी शोभा कपूर के साथ रिलेशनशिप में थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जब शोभा कपूर 14 साल की थी तब जितेंद्र को उनसे पहली नजर में प्यार हो गया था। दोनों ने साथ में काफी वक्त बिताया। इस कपल को पहली बार मरीन ड्राइव पर साथ देखा गया था। उन दिनों जितेंद्र स्ट्रगल कर रहे थे और शोभा ब्रिटिश एयरवेज में काम कर रही थी। शोभा को अक्सर अपनी जॉब के चलते विदेश जाना पड़ता था, ऐसे में वे ज्यादा मिल नहीं पाते थे। इसी बीच जितेंद्र का नाम हेमा मालिनी से जुड़ने लगा था। कहा जाता है कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, यहाँ तक कि उन्होंने शादी करने का फैसला भी कर लिया था। लेकिन जब धर्मेंद्र को हेमा मालिनी और जितेंद्र की शादी के बारे में पता चला तो वे बहुत नाराज हुए। इसे रोकने के लिए उन्होंने एक तरकीब निकाली। धर्मेंद्र ने शोभा कपूर को इनकी शादी के बारे में बताया और इसके बाद वे शोभा को लेकर तमिलनाडु पहुंच गए, जहां पहले से ही जितेंद्र थे। वहां पहुंचकर कथित तौर पर शोभा ने हंगामा मचा दिया। इस वजह से जितेंद्र और हेमा की शादी नहीं हो पाई। बाद में धर्मेंद्र को मौका मिला और उन्होंने हेमा मालिनी को प्रपोज कर दिया। इसके बाद धर्मेंद्र ने इस्लाम धर्म अपना लिया और फिर हेमा मालिनी से दूसरी शादी कर ली। इस बीच ड्रीम गर्ल से ब्रेकअप के बाद जितेंद्र एक बार फिर शोभा कपूर के साथ रिलेशनशिप में आ गए। इसके बाद दोनों ने 31 अक्टूबर 1974 को शादी कर ली थी। आपको बॉलीवुड का ये किस्सा कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा।